ये जगह मेरी जानी पहचानी जगह है। अटल जी के साथ भी मनाली में मुझे कभी, वैसे मैं बड़ा एक जगह पे ज्यादा समय रुकने वाला व्यक्ति नहीं होता था, बहुत तेजी से दौरा करता था, लेकिन जब अटल जी आते थे तो जितने दिन रुकते थे मैं भी रुक जाता था, तो मुझे भी यहाँ काफी निकटता का अनुभव आप सबसे होता था। अब तब उनके साथ मनाली के हिमाचल के विकास को लेकर कई बार चर्चा होती थी। अटल जी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ के पर्यटन उद्योग की काफी चिंता भी करते थे, और वो अक्सर अपनी एक मशहूर कविता सुनाया करते थे। मनाली वालों ने तो जरूर बार बार सुनी है। और सोचिए, जिन्हें ये जगह अपने घर जैसी लगती हो, जिन्हें परिणी गांव में समय बिताना इतना अच्छा लगता हो और जो यहाँ के लोगों से इतना प्रेम करते हो, वही अटल जी कहते थे अपनी कविता में, वो कहते थे मनाली मत जाइयो, राजा के राज में जइयो तो जइयो, उड़ी के मत जइयो, अधर में लटकियो हो वायुदूत में जहाज में, जइयो तो जइयो संदेशा न पइयो, टेलीफोन बिगड़े हैं मिर्धा महाराज में। साथियों, मनाली को बहुत अधिक पसंद करने वाले अटल जी की अटल इच्छा थी कि यहाँ स्थितियां बदले, यहाँ की कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने रोहतांग में टनल बनाने का फैसला लिया था। मुझे खुशी है कि आज अटल जी का ये संकल्प सिद्ध हो गया है। ये अटल टनल अपने ऊपर भले ही इतने बड़े पहाड़ का, यानी करीब 2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ उस टनल के ऊपर है, इतने बड़े पहाड़ का बोझ उठाए हैं, जो बोझ कभी लाहौल स्पीति और मनाली के लोग अपने कंधे पर उठाते थे, इतना बड़ा बोझ आज उस टनल ने उठाया है। और उस टनल ने यहां के नागरिकों को एक प्रकार से बोझ मुक्त कर दिया है। सामान्य लोगों का एक बड़ा बोझ कम होना, उनका लाहौल स्पीति आना जाना बहुत आसान होना, अपने आप में संतोष की, गौरव की, आनंद की बात है। अब व्योधन भी दूर नहीं, जब टूरिस्ट कुल्लू मनाली से सिद्धू घी का नाश्ता करके यहां से निकलेंगे और लाहौल में जाकर के दुमार और चिलड़े का लंच कर पाएंगे, ये पहले संभव नहीं था। ठीक है, कोरोना है, लेकिन अब धीरे धीरे देश अनलॉक भी तो हो रहा है। मुझे उम्मीद है अब देश के अन्य सेक्टर की तरह टूरिज्म भी धीरे धीरे गति पकड़ लेगा, और बड़े शान से कुल्लू का दशहरा की तैयारी तो चलती ही चलती होगी।